नमस्ते एंड वेलकम टू स्पाइस अरोमा डॉट इन, वेयर फूड इज लव एंड रिलीजन। आज की रेसिपी है हेल्दी, न्यूट्रिशियस और डायबिटिक फ्रेंडली रागी इडली। देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं एक कप रागी, एक कप सूजी, एक कप खट्टी दही, एक पैकेट प्लेन इनो का, आधा कप उड़द दाल का आटा, आधा कप ग्रेटेड गाजर, आधा कप महीन कटी हुई शिमला मिर्च, 10 से 15 चॉप किए हुए कड़ी पत्ते, 10 से 12 काजू के टुकड़े, 1 टीस्पून धुली उड़द की दाल, 1 टीस्पून चना दाल, 1 टीस्पून सरसों के दाने, नमक स्वाद अनुसार। सबसे पहले एक बाउल के अंदर हम डालेंगे रागी, फिर हम इसमें डालेंगे सूजी। यहाँ पे मैंने नॉर्मल सूजी का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो महीन या मोटी दोनों में से कोई भी सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम डालेंगे उड़द दाल का आटा। मैंने 4 टेबलस्पून उड़द दाल लिए और उसे मिक्सी में पीस लिया है, और एक कटोरी खट्टी दही। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे नमक के साथ। मैंने 1 टीस्पून नमक डाला यहाँ पर और अब मिक्स कर रही हूँ। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, लेकिन बैटर अभी भी गाढ़ा है, तो हम यहाँ पे करीब 2 टेबलस्पून पानी डाल रहे हैं बैटर के अंदर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर अभी भी हल्का गाढ़ा है, ये देखिए। तो अब हम करीब 2 टेबलस्पून पानी और डालेंगे बैटर के अंदर और वापस से मिक्स करेंगे। बैटर हमारा तैयार है और इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए हमें, ना ही काफ़ी पतली ना ही काफ़ी गाढ़ी। अब मीडियम फ्लेम पे एक कढ़ाई हम रख देंगे और उसमें डालेंगे करीब 2 टेबलस्पून ऑयल। मैंने ऑयल इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में बताना भूल गई थी, इसलिए यहाँ पे आपको मेंशन कर रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑयल। अब इस तेल को हम गर्म होने देंगे मीडियम फ्लेम पे ही। तेल अब गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे सरसों के दाने, और इन दानों के चटक जाने तक हम इसे फ्राई करेंगे तेल के अंदर। सरसों के चटक जाने के बाद हम डालेंगे कटे हुए कड़ी पत्ते। आप चाहें तो बिना काट के भी कड़ी पत्ते डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर कड़ी पत्तों को अच्छे से धोकर सुखा लिया था काटने से पहले, ताकि वो जब मैं तेल में डालूं तो उसका ऑयल चेहरे पे स्प्लैश ना हो। कड़ी पत्ता अच्छे से फ्राई हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे काजू। ये 2 भाग में टुकड़े किए हुए काजू हैं, आप चाहें तो 4 भाग के टुकड़े भी डाल सकते हैं इसके अंदर। अब काजू को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। काजू अब एकदम गोल्डन ब्राउन हो गए हैं कलर में, तो अब हम इसमें डालेंगे ग्रेट किया हुआ गाजर और फिर डालेंगे महीन कटे हुए शिमला मिर्च। आप चाहें तो यहाँ पे तीनों कलर की शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, और 1 टीस्पून नमक, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे और इसे करीब 5 मिनट तक इसी तरह स्टर करके सॉटे कर लेंगे। हमें इसे ढककर नहीं पकाना है। 5 मिनट हो गए हैं और ये सारी चीज़ें अच्छे से सॉटे हो गई हैं, तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। जब तक हमने मिक्सचर तैयार किया, हमारा बैटर भीग रहा था तो सूजी फूल गई थी। अगर आपके बैटर में अभी भी गाढ़ापन हो तो आप थोड़ा पानी डाल सकते हैं और उसके बाद हमारा तैयार किया हुआ मिक्सचर डाल सकते हैं इस तरह से। अब हम मिक्सचर को बैटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप इस मिक्सचर को नहीं बनाना चाहते हैं और रागी इडली को डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन इस मिक्सचर को बनाने से आप एक कंप्लीट मील बना रहे हैं रागी इडली का, जो कि वेट लॉस और डायबिटिक फ्रेंडली है। अब हम इडली के हर एक सेक्शंस को तेल डालकर अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, ताकि हमारी इडली को निकलने में आसानी हो। अब हम एक कुकर को हाई फ्लेम पे चढ़ा देंगे और इसमें डालेंगे करीब 200 से 250 ml पानी। पानी को हम गर्म होने देंगे। पानी के अंदर रखेंगे हम स्टैंड और बिना सीटी लगाए हुए
ढक्कन को रख देंगे इसके ऊपर। जब तक हमारा पानी गर्म होता है, मैं यहाँ पे इडली के बैटर के अंदर डालूंगी इनो। तो इनो के अंदर मैंने डाला है करीब 1 टेबलस्पून पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है पानी के साथ। अब हम इस स्लरी को डाल देंगे अपने बैटर के अंदर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे ओवर मिक्स नहीं करना है, ये आप ध्यान रखिए, नहीं तो इसका जो एयर है वो फिजल आउट हो जाएगा। अब हम बैटर को इडली स्टैंड में भर लेंगे और हल्का सा गैप रखेंगे ताकि जब इडली फूले तो वो स्टैंड के बाहर ना निकले। इसी तरह से हम सारे इडली स्टैंड को भर लेंगे बैटर के से। पानी अब गर्म हो गया है तो अब हम इसमें स्टैंड रख देंगे और कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसे करीब 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे स्टीम करेंगे हम। 10 मिनट हो चुके हैं और उसके करीब 2 मिनट बाद मैंने ये कुकर खोल के देख लिया है। हम नाइफ डालकर एक बार चेक कर लेते हैं कि अगर हमारी इडली कम्प्लीटली रेडी हुई है कि नहीं। ये रेडी हो चुकी है। अब हम इडली को निकाल लेंगे करीब 5 से 7 मिनट के बाद, क्योंकि इडली उस टाइम पे काफ़ी गर्म थी। हम चाकू की सहायता से इसे इस तरह से घुमाते हुए निकाल लेंगे स्टैंड से और एक प्लेट में लगा देंगे। और अब हम डालेंगे इसके ऊपर हीरो ऑफ दी रेसिपी, जो कि है इडली पोड़ी। आपने हमारी इडली पोड़ी की रेसिपी देखी है कि नहीं अभी तक? तो नहीं देखी तो इस रेसिपी देखने के बाद ज़रूर जाइए और क्लिक कीजिए गन पाउडर की रेसिपी पर। हमने यहाँ पर इडली पोड़ी डाल दिया है और इसके ऊपर डाल रहे हैं घी और गार्निश करते हैं गोल्डन फ्राइड काजू के साथ। और अब मैं आपको इडली को तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट और कितनी स्पॉन्जी बनी है। हो गई ना हमारी स्पॉन्जी, सॉफ्ट और हेल्दी और न्यूट्रिशियस रागी इडली रेडी। आइए आपको हमारी रेसिपी, तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और आपके कमेंट्स और फीडबैक हमें ज़रूर भेजें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर एक रेसिपी की अपलोड आप तक सबसे पहले पहुँचे। और हमारे अगले वीडियो तक खाइए, खिलाइए, खुशियाँ बांटिए।